छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, इन मुद्दों को लेकर किसान जागरूक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक से RTI लगाकर जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरती कला में मां अन्नपूर्णा कृषक एवं श्रमिक कल्याण संघ व किसानों के द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के माध्यम से 2020 से 21 की धान खरीदी को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिसमें बारदाना से ही धान का वजन कितना होना चाहिए, प्रति एक हेक्टेयर रकबा के हिसाब से धान खरीदने की मात्रा कितनी होगी सहित 9 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है। जब इसके बारे में वहां की शाखा प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई है वह समय रहते ही तत्काल प्रभाव से दे दी जाएगी। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या पद है आपको? समिति प्रबंधक। समिति प्रबंधक, आज जो कृषि मतलब जो ग्रामीण है यहाँ के जो किसान है उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया सूचना के अधिकार के अंतर्गत किन किन बातों के लिए दिया गया है और क्यों दिया गया है, वजह क्या है इसका, पूरा मामला क्या है? 9 बिंदु के तहत जानकारी मांगा गया है, इनको समय के हिसाब से पूरी जानकारी मिल जाएगी। समय सीमा का क्या क्या जानकारियाँ मांगी हैं? प्रत्येक मानक बोरी कितना है, कितना पता है नहीं, कुछ तो जो जानकारियाँ मांगी हैं व्यवस्था नहीं होती है क्या, यहाँ संचालित नहीं होती है क्या? नहीं, पूरा होती है। सूचना के तहत जानकारी मांगा गया है तो उनके नियम के तहत हम देंगे। तो कितना दिन के भीतर आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा? एक महीने के अंदर। एक महीने के भीतर करा दिया जाएगा जी। नाम सुनील पटेल। जो आप लोगों के द्वारा यहाँ जो ज्ञापन दिया जा रहा है तो क्या समस्या है, किसी संदर्भ में दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी सर, हम इस क्षेत्र के आम कृषक होते हैं। इस वर्ष जो है धान खरीदी केंद्र में शासन के द्वारा या पटवारियों के द्वारा रकबा विगत वर्ष की भांति काफ़ी कम कर दिया गया, लगभग 40-50% रकबा कम कर दिया गया है और रकबा को लेकर हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। और इसके बाद धान खरीदी केंद्र में जो समस्या होती है और हम सभी लोग यह जानकारी लेने आए हैं सूचना के अधिकार के 2005 के तहत कि हम आम कृषकों को क्या क्या सुविधा शासन द्वारा मिलती है, आप लिखित रूप में हमें प्रदान करें। इस आवेदन को हम सभी कृषक वर्ग संगठित होकर के और मैनेजर साहब को यह ज्ञापन आज सौंपने आए हैं। मतलब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपको जानकारी चाहिए, जो होनी चाहिए, हम आवश्यकता जो रहता है शासन जो निर्धारित है जी, जी। शासन द्वारा जो कुछ भी सुविधा मिलता है हम सभी किसानों को कोई जानकारी नहीं है, उसी जानकारी हेतु तो हम लोग यहाँ पर आवेदन लगाए हैं सूचना के अधिकार के तहत। मैं आपका जी, मेरा नाम अरविंद उपाध्याय है। यहाँ आज जो किसानों के द्वारा जो सबसे बड़ा संदर्भ है कि हम लोग का किसान लोग का एकदम रकबा जो है पटवारी द्वारा घटा के 50% कर दिया गया है और उसी के संदर्भ में हम लोग जानकारी चाहते हैं कि अचानक जो है मतलब मान के चलिए कि पिछले विगत जो था विगत साल और इस साल में इतना अंतर कैसे आया, और जहाँ पे हम लोग पूरा धान का खेती किए हैं वहाँ पे पटवारी द्वारा जो है कुछ हेक्टेयर में लिख दिया गया है तिल का और उधर का, वहाँ पे जाके देखिए कुछ भी नहीं है, खाली धान ही धान मिलेगा आपको। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रकबा हम लोग का यथावत किया जाए और जो है हम लोग जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यह है कि जो पटवारी साहब रकबा कम किए हैं उन्होंने क्यों रकबा कम किया, सीधे आधा घटा दिए हैं, तो आधा घटा दिया है तो पूरा धान नहीं बेचा जा सकता है, धान को हम क्या करेंगे, उस धान को हम लोग क्या करेंगे। सूचना के अधिकार जो आप लोग लगा रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ चाहिए आप लोग, क्या क्या मांगे हैं? उसके लिए मांग किए हैं कि रकबा क्यों कम किया गया, जानकारी दिया। नरसिंह पटेल, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि और साल के अपेक्षा इस साल धान लेट में खरीदी हो रहा है और हम किसान धान को ला के कहाँ रखें, क्या करें हैं? अब पहले जो धान बिक्री होता था उस टाइप के नहीं हो रहा है, अब दिसंबर में धान खरीदी हो रहा है, हम लोग क्या करें, शादी है, ब्याह है, घर है, द्वार है, कहाँ रखें, कैसे करें, क्या न करें, ये बहुत बड़ा समस्या है किसान के पास। जो आप लोगों के द्वारा सूचना का अधिकार लगाया गया है उसमें क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग जानकारी की भाई, यहाँ सुवा सूत्री उल्टाई पुल्टाई दुनियादारी क्या होता है,
हम किसान को कोई जानकारी नहीं है, लेबर नहीं है, लेबर हम स्वयं लेके आते हैं, हम स्वयं पर उल्टी पलटी कराते हैं, सूजा सूत्री हम किसान लेके आते हैं, शासन यहाँ से कुछ मिलता है नहीं मिलता है इसका जानकारी हमको चाहिए। क्या चाहते हैं आप भाई? जानकारी चाहती चाहता हूँ जी, जानकारी चाहते हैं कि मतलब यहाँ शासन के द्वारा क्या चीज़ किया जाता है, शासन से क्या देश निर्देश है, क्या सुविधा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.